वेलकम बैक टू रहस्य इंग्लिश क्लासेस। इसके अंदर मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में वीडियो में, दैट इज लाइन नंबर 80 तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे पढ़ रहे हैं। ग्रेशियानो की स्पीच है, लेट मी प्ले द फूल। पहले उसने क्या कहा था एंटोनियो ने, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स। उसने ये कहा था कि मेरा काम एक सीरियस आदमी का है। यहां पर वो कहता है लेट मी प्ले द फूल। यहां पर फूल माने बेवकूफ नहीं है, उस जमाने में जोकर को फूल कहा जाता था, वो जो आदमी मजाक करता है, वो जो जेस्टर होता है जिसको हम कहते हैं, जोक करता है, जो मजाकिया जो होता है जिसको जोकर कहते हैं, उस जमाने में उसको फूल कहा जाता था क्योंकि वर्ड जोकर नहीं था। तो ये लेट मी प्ले द फूल मीन्स मैं आई वुड लाइक टू प्ले द रोल ऑफ अ क्लाउन ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, ये कहना चाह रहा। With mirth and laughter, let old wrinkles come. With mirth and laughter मतलब mirth माने होता है खुशी, laughter माने होता है हंसी, old wrinkles come is a phrase कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन हंसी मजाक को कतई नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा था I am playing the role of a serious man on the stage of life। ग्रेशियानो कह रहा है कि मैं इस स्टेज ऑफ लाइफ पर एक क्लाउन का या एक जोकर का रोल अदा करना चाहूंगा और हंसते हंसते बूढ़ा हो जाऊंगा। एंड लेट माई लिवर रादर हीट विथ वाइन देन माई हार्ट विद मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स। यहां पर वो ये कह रहा है कि उस जमाने में यह माना जाता था कि हर चीज से, शराब पीने से क्या होता है, लिवर खराब हो जाता है। सिंपल बात है, वो ये कह रहा है कि मैं दारू पी पी करके अपना लीवर खराब कर लूंगा लेकिन आहें भर भर के अपने दिल को खराब करना कतई नहीं चाहूंगा। देखिए लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन मींस यहां पर हीट माने हैं आई वुड प्रेफर टू डिस्ट्रॉय माई लिवर बाय ड्रिंकिंग वाइन, सेलिब्रेटिंग, एंजॉयिंग, पार्टिंग एंड जस्ट लाफिंग अराउंड विथ माई फ्रेंड्स, बट देन माई हार्ट कूल विथ मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स। यानी कूल मतलब होता है यहां पर कि टू इंजर माई हार्ट बाय बीइंग सैड, ठंडी आहें भरना, मॉर्नफुल माने वो होता है, मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स मतलब आहक निकालना, मर जाने वाली आह निकालना, ठंडी आह भर के मरना पसंद नहीं करूंगा, दारू पी करके अपना लीवर खराब कर दूंगा लेकिन मरूंगा कैसे, सेलिब्रेट करते हुए। वाई शुड अ मैन whose blood is warm within, sit like a grandsire cut in alabaster। Grandsire कहते हैं बूढ़े बाबा को, हम लोग कहते हैं ना कि बूढ़े लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे वहां कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो जो सीनियर लोग होते हैं वो किनारे बैठे रहते हैं, क्यों, वो उछल कूद नहीं कर सकते यंग लोगों की तरह। यहां पर ग्रेशियानो यही बात कह रहा है, कह रहा है वो इंसान जो कि यंग है, जिसके पास जिस्म है, वार्म विद इन मतलब अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, अ पर्सन हु इज यंग, अ पर्सन हु इज एनर्जेटिक, जो कि सेलिब्रेट कर सकता है लाइफ को, वो एक किनारे जा करके एक बूढ़े बाबा की तरह क्यों बैठेगा। कट इन एलबेस्टर, एलबेस्टर किसे कहते हैं, मार्बल को कहते हैं, सफेद रंग की जो मूर्ति पत्थर होता है मूर्ति कहते हैं, कि मीन्स आपने देखा होगा कि जो ज्यादा सीनियर लोग होते हैं वो ज्यादा हिलते डुलते नहीं, एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल सेम बात कह रहा है कि क्यों एक नौजवान आदमी जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर जवानी है, जिसके अंदर गर्मी है, जिसकी बॉडी में एनर्जी है, वो एक बूढ़े बाबा की तरह एक पत्थर की मूर्ति बनकर कोने में क्यों बैठा रहे। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वॉर्म विद इन शुड लाइक अ ग्रैंड सायर कट इन एलाबास्टर मीन्स होता है कि एक मूर्ति की तरह किनारे चुपचाप बैठा रहे। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप्स इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश। स्लीप्स व्हेन ही वेक माने होता है कि जब जागते में भी इतना इनएक्टिव होता है कि वो क्या, जो बूढ़े लोग होते हैं जागते में भी इतने इनएक्टिव होते हैं कि लगता है कि वो सो रहे हैं। क्रीप्स इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग, यहां जॉन्डिस माने जॉन्डिस नहीं है, यहां जॉन्डिस माने होता है सिकनेस, बाय बीइंग पीविश, पीविश मतलब होता है एंग्री, याद रखिएगा पीविश माने होता है एंग्री। यहां वो कह रहा है कि क्यों
एक इंसान जो कि यंग है, जिसके अंदर जोश है, जवानी का जोश है, वो एक बूढ़े बाबा की तरह किनारे बैठा रहे, मूर्ति की तरह। फिर वो क्या कहता है, आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि जागते में भी ऐसा लगता है कि वो सो रहा है और बात बात पर गुस्सा करता है। आपने देखा होगा जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं वो जरी जरी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमारे घर में दादा होते हैं, दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, आप ज्यादा मस्ती करिए तो वो थोड़ा सा खिसियाते हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ाने लगते हैं। नाउ पीवीश माने होता है एंग्री, कि मींस व्हाई शुड अ यंग मैन शुड बिहेव लाइक एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की तरह क्यों बिहेव करे। एंड आई टेल दी व्हाट एंटोनियो आई लव दी एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स। बहुत आसान है कि एंटोनियो से कह रहा है कि मैं तुमको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरे दोस्त हो। देयर आर सॉर्ट ऑफ पीपल हुज विसेजेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड एंड डू विलफुल स्टिलनेस टू इंटरटेन द पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। याद रखिएगा स्टैंडिंग पॉन्ड, आपने देखा होगा कि जो पानी ठहरा रहता है उसके ऊपर काई जम जाती है, स्लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा, काई जम जाती है, यानी ऊपर से पानी हरा दिखता है, अंदर से पानी कुछ और होता है। याद रखिएगा यहां पर आयरनी का इस्तेमाल कर रहा है ग्रीशानु, कह रहा है मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, विसेजेस माने होता है चेहरे, ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। एग्जाम्पल किसका दे रहा है, एक तालाब जिसके अंदर काई जमी हुई है, ऊपर से हरा दिख रहा है लेकिन अंदर से कोई और कलर का है, कि मैं तुमको बता सकता हूं कि ऐसे लोग जो सीरियस होने का नाटक करते हैं हकीकत में वो कैसे होते हैं। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ पीपल हुज विसेजेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड, यानी कि मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर उसी तरह का एक पर्दा डाल रखा है जिस तरह से एक ठहरे हुए पानी में ऊपर की तरफ क्या बन जाता है, पर्दा पड़ जाता है। एंड डू विलफुल स्टिलनेस, वो जानबूझ करके सीरियस हो रहे थे, बने रहते हैं, एक्टिंग करते हैं सीरियस होने की। इंटरटेन विद अ पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बहुत खामोश रहूंगा, अगर मैं बहुत सीरियस रहूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऑफ विजडम, विजडम मतलब लोग मुझे क्या समझेंगे, ये बहुत समझदार हैं। ग्रेविटी यानी भारी भरकम है, भारी भरकम मींस क्या होता है, कि मींस वो ये कहता है कि ज्यादातर लोग खामोश इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक समझदार आदमी है। प्रोफाउंड कंसीट माने होता है, आप जानते हैं कि प्रोफाउंड कंसीट माने होता है कि जो सोच विचार करने वाले धैर्य वाले लोग हैं। यहां पर ग्रेशानु कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जानबूझ करके खामोश रहते हैं ताकि लोग उनके बारे में ये राय बनाए कि वो विजडम बने, बहुत अकलमंद है। ग्रेविटी मतलब सीरियस है, प्रोफाउंड कंसीट माने सोच विचार करने वाले लोग हैं। हु शुड से आई एम सर ओरेकल, अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा क्योंकि ये काफी लंबा है और अभी बता दे रहा हूं कि ये यहीं तक है। सिंपल बात है, ग्रीशानु कह रहा है कि मैं जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, मस्ती की जिंदगी जीना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। और वो पूछता है कि एक इंसान जो जवान है, जो यंग है, जिसके अंदर जोश है, एनर्जी है, वो क्यों बूढ़े बाबा की तरह किनारे बैठा रहे। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो जानबूझ करके सीरियस रहते हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, उनके बारे में ये राय बना लें कि वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत अकलमंद हैं और वो बहुत सोच विचार वाले हैं। लेकिन मेरी नजर में ये उस पौंड की तरह हैं जो कि ठहरा हुआ होता है, ऊपर से काई जमी होती है। कुल मिलाकर के आयरनी क्या है, ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। यहीं पर है, इसके बाद सर ओरेकल से स्टार्ट करूंगा। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।